मेरा प्रश्न आपसे है कि पानी सर हमेशा एक जगह पर आता है तो उसमें भी कीटाणु हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में सर सुप्रीम कोर्ट अगर STX टीम में उसको मोडिफाई किया है सर, तो इसमें कहा कैसे गलत हम बोल सकते हैं और अध्यादेश क्यों लाएंगे सर? अगर कहीं ना कहीं जो आंकड़ा बताया जा रहा है कुछ उसमें कमियाँ हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट दिया है सर। कि वो जो जजमेंट हुआ 89 पेजेस में जजमेंट, वो जो एक्ट था पहले वाला, वो 39 केस रेफरेंस था जो एक्ट चालू हुआ 89 केस का रेफरेंस। ओके, वो जो जजमेंट हुआ था सबसे ज्यादा जजमेंट बथानी टोला ऐसा नहीं, वो उसका पहले ऐसा कोई नरसा हुआ रखा था, दलित पर निर्यातन हुआ था, गांव जला दिया, बहुत सारी आदमी मार दिया, एक हुआ उसका जुडिशियल, इसे जुडिशियल जजमेंट प्रॉपरली जुडिशियल जजमेंट होगा तो ऐसा होता कि वो उम्र कैद या एक नंबर ऑफ नंबर। सेकंड जो रेफरेंस आया सेकंड केस का मैस एलिक्सा ट्राइबल जो जमीन ले लो इनके बक्साइट है, नदी ले लो, ये लोग का नदी के बगल में कोई नहीं, ट्राइबल नहीं रहेगा। सेकंड मास एविक्शन उस वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, 39 तो ऑफेंस वाज एज एज पर द रिकॉर्ड इज अ फार्मर ऑफेंस। कोई डोम का काम करते हैं या स्वीपर का काम करते हैं, वैसा ही कोई सफाई करनी है, अरे तुम काहे तुम मेरा घर में घुसा है, नथर का बच्चा डोम का बच्चा निकालो घर पर लगे, कोई विटनेस मिलेगा तो उसको मेरी कॉग्निटिव नर्वस नॉन अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, कोई जमानत नहीं मिलेगा, कम से कम 3 महीने उसको जेल रहना पड़ेगा, 5 महीने इसका दुरुपयोग भी तो हो रहा है इस समय में। ये पहले वाला एक्ट में ही सब था और ये सुप्रीम कोर्ट कि दो जज वो राय दिया था, उसको बैकग्राउंड भी हमने निकाला। एक जज है जो दलित और एक है गोयल, एक जज है जो बॉम्बे हाईकोर्ट में था, ही वॉज अगेंस्ट 498A उन्हें क्या डोमेस्टिक करते डोमेस्टिक वॉर, ये बोला ये बैडली यूज वाइफ का राइट है कंप्लेन करने का, ये हमारे ऊपर निर्यातन हुआ है, लेकिन हस्बैंड का भी राइट है जेल का जेल से बाहर रहना, ही वॉज डिफेंडिंग द पैट्रियॉट अधिकार की दृष्टि से भी तो सर गलत हो सकता है, क्योंकि अपना पक्ष रखने के बावजूद भी किसी को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं सर? सेवन दूसरा है, लेकिन वही ये दो जाज है ना, ये इसका रिकॉर्ड ही है और जो ललित और एक जाज है उसको बायसनेस, इसलिए बायसनेस है जो बैकग्राउंड देखने के बाद इसको क्यों बायसनेस आया, क्यों ये लोग बायस जजमेंट दिया था, ये नया ये जो ललित है मेरे हमारे साथी जिग्नेश तो अभी तो हेरे हो गया, जिग्नेश लोग जब पूना मूवमेंट दलित मूवमेंट किया था केजर चिल मूवमेंट बहुत अच्छा नारा लगाया वो लैंडलॉर्ड का खिलाफ, ये गाय का पुश तुम ले लो हमारा जमीन हम तो गाय का नाम पर जमीन ले रहे थे अपर कस्ट लैंड, तो वो लोग तो पकड़ के ले गया और उनको हाईकोर्ट में अहमदाबाद हाईकोर्ट में वो जो ललित जो जज था वो जब आता था तो उनका अपने चेम्बर से जब जाते हैं घर में यहाँ बैठते थे एक ही सीट आया हर जज का, वो बैठने का पहले बोलते ओम शिवाय, सबको यहाँ जो है नीचे है सबको ओम शिवाय बोलना होगा, सब वॉच रखते हैं कि कौन ओम से हरी हो सिंपलेस्ट शुड नॉट बी सेड लाइक दैट, ये दोनों का जांच का बैकग्राउंड है नेचुरली इंफ्लुएंस जजमेंट है, टोटली वी आर टेलिंग दैट इट इज एज एक्टिविस्ट वी आर टेलिंग दिस जजमेंट इज ए मनुष्यति इंफ्लुएंस जजमेंट। मेरा सोचा था जब मैं लिया करेक्ट किया था जजमेंट इससे मॉडर्न मॉडर्न राइटिंग सो शुड बी रिवोक्ड। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन सर। सर
सर मेरा क्वेश्चन जो है वो मनोरंजन व्यापारी सर से है। अभी मीना सर बोले हैं कि क्लास एज कास्ट एंड कास्ट एज क्लास, तो सर जो हमारे 90% जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमारे इंडिया के रिसोर्सेज है, वो मात्र 10 लोगों के पास है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, वही सिर्फ लोअर कास्ट के लोग ही एक्सप्लॉइटेड हैं और अपर कास्ट के लोग एक्सप्लॉइटेशन उनका नहीं होता है। जो अपर कास्ट में जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय वैश्य, ये लोग का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो सिर्फ दलित के ही बारे में क्यों बात करें? अपर कास्ट की भी तो जो एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके बारे में तो बात किया जा सकता है सर, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? करुण का बाड़ा होगा, सुनाई दे रहा सर? तो माइक्स बिना एक दो बाड़ा होगा, लड़ भी सकता है। अभी लोग जैसे किसी पढ़े लिखे लोगों ने हमको बताया, हमारे देश में चोर 84 है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। एक रतन टाटा को छोड़ो, बाकी सब ऊंची जाति के लोग हैं। कार्ल मार्क्स जिनको मजदूर कहा, किसान कहा, प्रोलेटेरियट कहा, बाबा साहेब उन्हीं को दलित कहा। एक समाज ऐसा बन गया है, सामाजिक परिस्थिति बदलने के कारण हमारे बंगाल में ज़्यादातर देखने को मिलता है, आपको इधर मिलता कि नहीं पता नहीं पाएंगे, एक भद्दो लोग और एक छोटे लोग का समाज। ऐसे बंगाल में कोई जात, यहाँ तो कोई किसी को नाम बोलने के पहले जात बोलते हैं। हमारा गांव में एक चमार है फलाना नाम का, जात पहले आता है आपको बिहार में, बंगाल में ऐसा नहीं आता, जात बताएगा नहीं। बंगाल का समाज जो है जात पात के आधार पर नहीं, बल्कि वित्त के आधार पर, हैव और हैव नट्स के आधार पर विभाजित हुआ, भद्रलोक और छोटे लोग। ये जो भद्रलोक का जो समाज है, 95 जो है ऊंची जाति के लोग, 5 जो है दलित में से भी वहां चले गए। अभी राजनीति करने ऐसा एक मौका दिया गया हमारे देश में कि राजनीति में भी आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो, अकेले ऊंची जाति के नहीं, नीची जाति के भी जो पंचायत का एक मेंबर बन गया वो भी इतना कमा सकता है। तो ये जो कमाने वाले लोग, नीची जाति का 5, ऊंची जाति का 95, वही मिलके हो गया बद्दल लोग, और ऊंची जाति का 5 बिजल करके नीचे गिर गया और 95 वही कावरा भक्ति नमोसूत्र ये सब रहा, ये मिलके हो गया छोटे लोग। तो यही कारखाना में जाओ, खेत खलिहान में जाओ, कहीं पर भी जाओ, यही छोटे लोग ही काम करते हैं। तो बाबा साहब द्वारा ब्राह्मणवाद विरोधी लड़ाई हम संचालित करें, या मार्क्स साहब के कथन के अनुसार श्रेणी संग्राम को आगे बढ़ाए, दुश्मन तो एक ही है। अब हमारे देश में क्या है, विदेश में नहीं है और देश में नहीं है वर्णवाद, हमारे ही देश में है। इसलिए हमको बाबा साहेब, पेरियार रामास्वामी नायकार, फुले, इन सबको, आदर्श को, इनके बताए हुए मार्ग को चुनना पड़ रहा, इन वर्णवाद को समाप्त करने के लिए। लेकिन हम जिन जमीन पे बैठा है, उस जमीन का एक जमींदार रहा, उसका नाम था खगेन नस्कर, नस्कर मतलब ऊंची जाति का नहीं, ओबीसी में आता है। वहाँ के जो कावराबादी लोग रहे उनके ऊपर में भयंकर अत्याचार किए उन्होंने, आज भी जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो बताते हैं। तो हमारा एक लड़ाई तो उनके खिलाफ भी है, उनके खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए हमको मार्क्सवाद से शस्त्र चुनना पड़ेगा। आज के समय में हमको अम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद, ये लोहियावाद जो शंकर मोहन योगी छत्तीसगढ़ का रहा उन्होंने ये अपनाया था, जरूरत पड़ने पर गांधीवाद से भी हमको शस्त्र चुनना पड़ेगा। हम तो जीना चाहते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने इस बात को बताने जाकर के ही रुक गए, आप लोग समझ गए कहाँ हम रुके थे। अगर हमारे पास दर्द है,
हम लोग से प्यार है, लोग उनको हित चाहते हैं, तो हम उनको हित के लिए हम देख लेंगे कि वो शस्त्र मार्क्सवाद में है, अम्बेडकरवाद में है, लोहियावाद में है या गांधीवाद में है। आज की तारीख में हमको सिर्फ अम्बेडकरवाद को ही पकड़ के रखना है, और मार्क्सवाद, मार्क्स ने भी तो इतना बड़ा एक जो दर्शन जिन्होंने लिखा, सारा देश सारा विश्व भर में उसको तो मान्यता मिला, उसमें अच्छा या क्या है वो हम चुन लेंगे। अम्बेडकरवाद में अच्छा या क्या है वो हम चुन लेंगे, लोहियावाद में क्या है हम चुन लेंगे, गांधीवाद न्यू बीजी का आंदोलन में हमने रहा, छत्तीसगढ़ में रहा, इसे शराबबंदी आंदोलन ये गांधीवाद से प्रेरणा मिला उनको, मार्क्सवाद में कहीं पर भी इसका खिलाफ या अम्बेडकरवाद में भी इसका खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए कोई प्रबंधन नहीं था। उन्होंने कहा मजदूर का तंखा बढ़ाओ, हम लड़ाई तो लड़ते हैं, तंखा बढ़ गया, वो ज़्यादा पैसा मिला तो ज़्यादा दारू पी लिया, तो हमारा लड़ाई का आखिर फायदा क्या हुआ। तो हमने कहा ये सबसे पहले शराब को बंद करो, मार्क्सवाद में इस तरह का लड़ाई का कोई प्रबोधन नहीं है। उन्होंने मार्क्सवादी होते हुए भी गांधीवाद से उसको, तो हमको दर्द होना चाहिए, लोगों में प्यार होना चाहिए, फिर हम देख लेंगे। आज की तारीख में हमारे लड़ाई में बहुत सारे ब्राह्मण, तो एक ब्राह्मण बैठा है हमारे लड़ाई लड़ रहा है, शंकर गोनी विनायक सर, ये जो अभी अभी देवीचरण जी नाम बताया, शेखर बंदोपाध्याय, सब हमारे साथ हमारे लड़ाई में खड़े हैं, लेकिन फिर हमारे विरोध में भी चले गए। ऐसे लोग भी तो हमारे जाति का है, अब रामनाथ कोविंद को क्या कहेंगे, वो तो हमारे लड़ाई में नहीं है, है क्या? जगजीवन राम को क्या कहेंगे, मीरा कुमार को क्या, वो तो हमारे लड़ाई में, फिर उनको खिलाफ हमारा एक लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ने के लिए हमको शस्त्र यदि मार्क्सवाद से मिले, यदि और किसी से मिले वहीं से लेंगे, लेकिन वो उसको खिलाफ भी हमारे को लड़ना पड़ेगा। सॉरी वो एक पीछे जा सकता है, एक पिरामिड है, एक पिरामिड है, अपर पार्ट इज शाइनिंग, लोअर पार्ट डार्क पार्ट, शाइनिंग इंडिया और डार्क भारत एक सबसे शब्द बनने से परिचित है, लेकिन लास्ट 30 और 40 ईयर्स से मेनली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, मेनली आफ्टर गैट एग्रीमेंट, ए सम सेक्शन ऑफ द टॉयलिंग मासेस फ्रॉम सेकंड क्लास सेंट्रल, नॉट टाइट बट सेकंड क्लास, दे बिकेम मेंबर ऑफ द शाइनिंग इंडिया, अपर पार्ट ऑफ दिस ट्रैंगल, and a good section of people were from upper class, they went down to darkening, a uplifting, upwards mobility, sir political sense में बहुत ही use आते हैं, upwards mobility होता है, downwards mobility होता है, ये new feature है, total situation बदल जाते हैं, ये लोग के लिए अपना सेफ्टी के लिए change हो सकता है, position change हो जाता है community, नॉट ओनली फॉर करप्शन, करप्शन तो ठीक ही है, करप्शन जो है करप्शन है, पॉलिटिकल लीडर करप्शन हुआ, गवर्नमेंट बड़ा ऑफिसर करप्शन किए, जबरदस्त हो सकते हैं, नॉट इवन द क्विक मनी फ्रॉम फिल्म फिल्म क्रिकेट में, एनीबॉडी कैन अर्न मनी, मच मनी, मिलियनेयर मिलियनेयर, बट द नॉर्मल कोर्स देयर इज ए अपवर्ड्स मोबिलिटी एंड द डाउन, तो एक जो शाइनिंग इंडिया और डार्क भारत अंदर आधार भारत, इसमें इंटरचेंज होता है, तो वी आर नॉट अपोजिंग द अपर कास्ट, वी आर नॉट ओवर काइंडनेस, शोइंग आवर ओवर काइंडनेस टू द लोअर कास्ट, वी आर व्हाट विलिंग टू चेंज द एंटायर कास्ट बेस, primarily we want to annihilate the caste and as well as we want to abolish the discrimination based on class, simultaneously we want to also discrimination based on gender which was reflected by statement on Hindu code bill by Dr. Ambedkar in his last part of it.
मुसलमान लोग अपना इस्लामिक लॉ में यही लॉ अनुसार फादर्स प्रॉपर्टी का राइट, हस्बैंड प्रॉपर्टी का राइट 1400 साल पहले मिला, लेकिन हिंदू को भी वीमेंस राइट आफ्टर मूवमेंट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कर्मी वॉज पास्ट एंड इट वॉज पास्ट फॉर द वुमेन फोर्स. सो इंडिया इज बिग क्लियर कंट्री, मे बी अनडिवाइडेड, इट वॉज ए क्लियर कंट्री. इट्स नॉट सिमिलर टू द इफ यू लुक थ्रू ए यूरोपियन ग्लास इंडियन सोसाइटी इट विल बी ब्लैंड. सो ऐसा ही होता है, ऐसा चेंज होता है. तो ये चेंज तो नॉर्मल इट्स समटाइम्स इट इज ए ट्रिक्स ऑफ द रूलिंग क्लास समटाइम्स. सो ऐसा ही होता है, दे कोऑपरेट इवेंस, दे कोऑपरेट सम पॉलिटिकल एज वेल सोशल और द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम द लोअर कास्ट. सो दिस इज द Thank you, sir. One more question. Sir, मेरा question आपसे मनोरंजन व्यापारी सर, आपने बोला कि 70 साल में आप कभी भी कोई चेंजेस हम बोल रहे हैं लेकिन चेंजेस हुए नहीं, बदलाव आए नहीं. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आते हैं बोलते हैं ये हुआ तो ये नहीं हुआ, ये हुआ तो ये नहीं हुआ. आपका भी यही कहना था, जैसे कि हम आलोचना करते हैं, हम इनकी आलोचना करते हो हमारी आलोचना करते हैं, आप हमें बताइए कि कौन ऐसे रास्ते को अपनाए, कौन ऐसी आदर्शवाद को अपनाए जिससे हम एक मानववाद की, मानवता की जो सिद्धांत है जिसको हम रख सकेंगे. और ये बदलाव 70 साल में नहीं आया तो अगले कितने सालों में हम इस बदलाव को देख सकते हैं, और कौन सी वो आइडियोलॉजी, कौन सी वो आदर्शवाद को अपनाएंगे, और साथ में एक शांतिपूर्ण व्यवस्था भी देश के अंदर बनी है. मैं आपसे एक सवाल करूं, आपने सवाल किया, आप हमको कैसे समझा कि आपका सवाल का जवाब हम दे सकते हैं, कैसे समझा? सर, क्योंकि आपने अभी आप हमको मत सवाल करो, आप खुद को सवाल करो, खुद से पूछो. आप पढ़े लिखे हो, आप हमसे ज़्यादा जानकारी हासिल करते हो, आप चुनो, आप देखो कहाँ अन्याय हो रहा, किस ढंग से उसको रोका जाए. छोटे छोटे स्तर पर शुरू करो, बड़े का भी हमको सोचने की कोई फायदा नहीं. अपना गांव को सुधारे, अपना परिवेश को सुधारे. बोलने की बड़ी दुख होता है, व्यवस्था को इस तरह बिगाड़ दिया. अभी हम लोग बात कर ही रहे थे वहीं बैठ के, कहाँ बैठ के कर रहे थे कि बस में लोग चढ़ते हैं, चार बार कंडक्टर आके उसको धक्का मारते हैं टिकट के भाई, तब वो जाकर के 10 रुपया का टिकट 8 रुपया देने का चेष्टा करते हैं. टट्टी में मॉक जो है चेन से बंधे हुए हैं ताकि कोई चोरा के नहीं. ये नैतिक चरित्र का इस तरह अब नीरव मोदी को देख रहा हूँ, ये छोटे छोटे मोदी को देखो ना, इसी में से तो बड़े वाला बनता है. इस तरह बिगाड़ दिया राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने हमारे नैतिक चरित्र का इस तरह बिगाड़ दिया. हम बड़े सोच ही नहीं सकते, उस दिशा में कदम बढ़ा ही नहीं सकते. हर एक एक पैर का आगे एक एक पत्थर डाला गया. खुद आप चुनो, खुद सोचो. अब सोचने वाले में से हो तभी तो सवाल करते हो, तभी तो सवाल क्यों. आप अकेले नहीं हो, आप कौन बोला है, आप जो सोच रहे हो आप यहीं बैठ के आप चर्चा करो, आपके 10 साथी यहीं मिल जाएगा. आप चर्चा करते नहीं, आप बोलते हम भी तो अकेले थे, हमारे साथ कौन था, कोई नहीं था, लेकिन आज तो लाखों है तादाद में हमारे साथ, लाखों है. ऐसी चीजें तो पूरे देश में चल रही है, फिर भी कोई सुधार नहीं नजर आता है. वही हमारा अंधापन है, चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा. हमको चलाना है, हम ही चलाएंगे, कुछ नहीं चल रहा, हमको चलाना है. जिसको हमने न्याय समझा, सत्य समझा, जनता के हित में समझा, उसको कस के हमको पकड़ना है, हमको आगे जाना है, और लोगों को बोलना है कि
उसको आप में पट्टी पढ़ा है, वो पट्टी खोल के बोलना है कि हमारे साथ चलो, या तो तुम हमारे आगे चलो हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, या तो हम आगे जा रहे हैं हमारे पीछे आओ, और कोई रास्ता नहीं है, कोई आपको मार्ग दिखाने वाला नहीं है। जीना इस दुनिया अभी कोई अभी रास्ता में कोई लेके चक्कू लेकर के आपको हाथ का घड़ी छीनने आएगा तब क्या करोगे, अभी दौड़ोगे ना, अभी खड़ा हो जाओगे ना पत्थर उठा के, तो आपको जीना है, आपको लड़ना है, और तब आप खुद खड़ा हो जाओगे, देखोगे आपका पीछे। वो एक कविता का कौन सा लाइन है, क्या वो अकेले ही चले थे बाद में देखा पीछे चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां, क्या मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप चलते रहो कारवां बनता गया। धन्यवाद सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि किसी मत से प्रभावित संवाद जो है मनुष्य के हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य का मत हमेशा एक नहीं होता, तो आपको अलग अलग रास्ते भी चुनने होंगे समस्याओं के समाधान के लिए। अब एक आखिरी प्रश्न, सर हमारे देश में हर छोटी छोटी बात पे कास्ट को देखा जाता है, एससी एसटी ओबीसी हो और जनरल, अगर सर एससी एसटी पर आरक्षण देखा जाए तो एससी को 15% और एसटी को 7.5%, जिसमें ओबीसी को 27% जो बाकी का है मतलब उनको जनरल पर, फिर भी ये लोग जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज दिया ना सर, उसी जो परसेंटेज उसके हिसाब से होते हैं, ओबीसी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर भी सर सबसे जो गरीब तबका है समाज का एससी एसटी उन्हीं को हर बात पर टारगेट बना लेता है। एक मिनट सर, क्या इस तरह हमारे देश का विकास संभव है, और इवन हमारे मतलब इंडिया में कास्ट तो देखा ही जाता है और धर्म भी देखा जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अभी सर ले रही जो अशिफा जो कांड हुआ है सर, उसमें बहुत सारे व्यक्ति ने मिलकर एक आर्थिक बच्ची के साथ बलात्कार किया और सर उसको धर्म से रिलेटेड कर दिया जाए, तब उसको ना रेप करने से पहले उसको धर्म को नहीं पता था कि तुम जाकर रेप करो, और आज सर मतलब पूरा एक धर्म उसके साथ आ रहा है, यहाँ तक कि सर बहुत पॉलिटिकल पार्टी भी उनके सपोर्ट में खड़ा हुए। क्या सर ये सही है, और इस तरह अगर हमारे समाज में चलता रहा तो हमारे देश का विकास संभव है? दो सवाल एक साथ में मिला है सर, पहली और सवाल का जवाब पहले तुम, और यही आखिरी सवाल, सब इस तरह आप लोग दिखते नहीं है क्या? तमाम बंदूकें हमें पर तने हुए हो आपको, मेरा गुरुजी बैठे हैं उन्हीं से हमने सीखा, इनसे कुछ पूछो भाई। आपका सवाल का जवाब इस तरह मैं दे सकता हूँ, आप खुश हो जाओगे, इस तरह मैं दे सकता हूँ आप नाराज हो जाओगे, दोनों और दोनों सही। अच्छा ये आप बोलिए, थोड़ी देर के लिए मैं ऊंची जाति का पक्ष में चला गया, आपको जो संरक्षण दिया गया था किस लिए दिया गया था? बाबा साहब ने जो इतना लड़ाइया लड़ के आपको संरक्षण दिया था किस लिए दिया था? मतलब कोई ऊंची जाति एक ब्राह्मण का एक दस्तला मकान है, उसमें एक दलित भी एक दस्तला मकान बाजू में खड़ा कर सके, इसलिए नहीं सर। जो सर जो दस्तला मकान बन रहा है मतलब जो हमने गवर्नमेंट बनाया सब में सबका एक अपना सब बराबर का भागीदारी है, क्या बराबर है जो भागीदारी, बाबा साहब ने दलित समाज के शिक्षित लोगों को इसलिए नौकरी दिया था, नौकरी के प्रावधान संरक्षण के माध्यम में, MLA MP बनने का लिए भी प्रावधान इसलिए दिया था ताकि तुम्हारे जाति को तुमको स्वावलंबी तुम बन गए हो, तुम तुम्हारे नीचे तबके का लोग जो है तुम्हारे अपने जाति अपने बिरादरी उनको भी खींच कर ऊपर लाओ, इसलिए ना हमारे बाजू में एक ऊंची जाति का एक दस्तलम, अभी सावरना चौधरी कलकत्ता में बहुत बड़ा जमींदार रहा, उसकी बाजू में रानी रासमोनी नीची जाति का मछुआरे का वो एक जमींदार रहा, तो उसमें हमको नाचने की क्या है? तब हम नाचेंगे जब वो हमारे हित में खड़ा हो जाए, हमारे नीची जाति। आपको संरक्षण के माध्यम के नौकरी इसलिए दिया गया कि आप सुख चैन का जिंदगी जियो और आपका समाज के लिए भी कुछ हित का काम, इसीलिए बाबा साहब ने कहा था मैं बैक टू सोसाइटी, लेकिन आज हमको देखने को क्या मिला? ऊंची जाति का 10 मकान, उसमें 2 मकान कुछ नीची जाति, मेरे माँ किसी ऊंची जाति का घर में बर्तन मलते थे, मेरे बेटी अभी किसी नीची जाति का घर में बर्तन, हमको खुश होने का क्या है? हम खुश तब होंगे जब तुम हमारे लड़ाई भी लड़ोगे,
ये जो अभी किसान रैली हुआ इतना बड़ा, दलित का हित का बहुत सारे संगठन तो जिग्नेश रहे, तमाम शिक्षित जो लोग हैं दलित समाज से, सबको खड़ा होना चाहिए था कि नहीं, भेजना चाहिए था कि नहीं, कुछ पैसे भेजे किसी ने? इसीलिए दुखचित सर में बाबा साहब ने अंत में कहा कि ये शिक्षित लोग हमको ठगाया सबसे ज्यादा, आपको संरक्षण मिले आप नौकरी करो, लेकिन आप जिन जाति से आए हो उन जाति के ऊपर लाने के लिए आप भी कुछ प्रयास करो, तब तो हम आपके साथ होंगे। लेकिन हमको बंगाल में देखने को मिल रहा एक व्यक्ति जिनका पिताजी अंग्रेज के जमाने में दारोगा रहा, कांग्रेस के जमाने आया तो उन्होंने भारत सरकार का बहुत बड़ा अभी सुना कि लाख रुपया पेंशन मिलता है, उनका जो लड़का रहा, फिर वो बामपण का जमाना आया तो उनको नौकरी, अब उनका एक बेटी है लगता है ये तृणमूल की, एक इनको भी लगता, एक खानदान का जो 10 लोगों को नौकरी मिलते गया है, कुत्ता पल रखा है। हम आज से 10-12 साल पहले की बात बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बता रहे, दवाई एक हमारे बाजू में बैठा है तो कुत्ता पल रखे हैं, 2 कुत्ता कूद कूद के उसको गोद में बैठा है, बड़ा प्यारा है, 8,000 रुपया हर माह खर्च होता है इसके पीछे मालूम, ये 8,000 रुपया कुत्ता पालने में खर्च कर रहे हैं, घर का नौकरानी को तनख्वाह 1,200 रुपया। तो आप दलित में से हो, आप 8,000 रुपये का कुत्ता पाल रहे हो, इसमें हमको खुशी की क्या बात है? इसीलिए थोड़ी देर पहले बताया था कि भद्दलोक और छोटेलोक का एक विभाजन हुआ है, हम हर भद्दलोक के खिलाफ लड़ेंगे, ताकि दलित में से भी कोई जगह तो उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे, उसके लिए जरूरत पड़ने से हम मार्क्सवाद और पहले जैसे मार्क्सवाद उसके बाद लेनिनवाद उसके बाद आकर के और क्या, उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम भी वैसे फिसल फिसल के अंत तक आ जाएंगे आपके खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि आप हम। अच्छा थोड़ी देर के लिए और एक बात, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, एक ऊंची जाति का लोग रहे, उसको आप नाम जानते हैं, शंकर मोनी, ऊंची जाति का रहे, वो चले गए छत्तीसगढ़ आदिवासी के लिए, दलित के लिए, वनवासी के लिए, मजदूर के लिए लड़ाइयाँ लड़े, प्रांति ऊंची जाति के है, बिना एक्शन ऊंची जाति के है, वो सेवा करते थे किसका, आदिवासी का, और एक महेंद्र कर्मा जो आदिवासी समाज से आए, वो किसके सेवा करते थे, हजारों आदिवासी पर जला दिए उन्होंने, सालभाजी तो बना कर। तो हमको देखना है कि जनता के हित में, हमारे गरीब हम नमशूद्र है, हमारे कावराबाती यही गरीब लोग ज़्यादा है, इक्का दुक्का फिसल करके कोई भद्रलोक श्रेणी में चला गया तो ऊपर, हमारे हित का रक्षक कौन करेगा, अम्बेडकर करेंगे तो अम्बेडकरवादी रहेंगे हम, मार्क्सवाद करेंगे तो और भी कोई बात होगा, हम संरक्षण हमारे दृष्टिकोण से संरक्षण व्यवस्था है, ये जो राष्ट्र व्यवस्था, ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये हमारे हाथ में एक पट्टी पराने के लिए हमको माता है, समस्या का निराकरण चाहते हैं। सरकारी नौकरी हम तो चाहते हैं कि 133-135 करोड़ लोग सब शिक्षित बने, सबको तो संवैधानिक नौकरी नहीं मिल सकता, तो कुछ कोई जो थोड़ी देर पहले बताया कि ये शिक्षा हमको क्या देता है, सिर्फ वो नौकरी करने, अभी संरक्षण किस लिए, क्यों वो नौकर बनना है हमको, इन सरकार को इन जिस शोषण कार्य को सहयोग देने के लिए हम भी वहाँ पहुँचने का लायक है, हम उनको ये बता रहे हैं प्रकारांतर कि आप लूट फूट कर रहे हो, हम उतना सक्षम बन गए, आपको भी आपके साथ ले लेंगे, हम ही आपका काम कर देंगे, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं आ पा सकते, कितने भी अन्याय काम करें आपका लिख देना पड़ता है, आप कोई सरकार के कोई भी गैर कानूनी काम के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, तो सरकार ने आपको नौकरी दिया तो खुद का आदमी बना ले, तब तो आप आपका हमारा आप तो हमारा आदमी रहेंगे, हमारा लड़ाई आप तो लड़ोगे नहीं, फिर भी संरक्षण का हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका भूल आप सुधारो, आपका जितना लोग नौकरी मिला अपना निजी जाति का पुस्तों के हित में उसका पक्ष में तुम काम करो, नहीं तो तुम्हारे लिए हम तो पढ़ा लिखा जानते ही नहीं, संरक्षण में 100% भी संरक्षित नौकरी हो फिर भी तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिग्री है ही नहीं, हम इन्हीं सरकार के पास
राज्यपाल के पास गए, मुख्यमंत्री के पास, हमारे हम कोई भी कोई स्कूल पढ़े नहीं, एक एक व्यक्ति को 2000 रुपये दिए, वो 8 पास सर्टिफिकेट गए हमको बना दिए, उसी के बदौलत हमको एक जगह खाना बनाने वाला नौकरी मिला। वो सब जानते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट का जाल है, और हम भी बोलते हैं कि हम सब तो जानते ही, लेकिन कौन सर्च करके अभी तो देख लो कि काम क्या है, हमको जुड़ा बोलने से क्या है। बोला भाई डकैती करते इससे अच्छा तो एक जाल सर्टिफिकेट लाए, हम काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं, आपका बड़ी बड़ी छीनते वो कह रहे थे ना, हम किताब मानने वाले छीने, हम छीने, हमारा किताब पढ़िएगा, झूठ नहीं बोल रहा, छीने हम, वो क्या मरेंगे नहीं, जेल में हमारे लिए खाना रखा है, हम वहाँ चले जाएंगे या बाहर रहेंगे तो आपकी गरीब रहेंगे, भूखे नहीं मरने वाले। ये हो गया आपकी पहले सवाल, संरक्षण का हित में हम कब खड़ा हो जाएंगे, हम लड़ेंगे, आप भी हमारा हित में लड़ो, आप भी हमारा पक्ष में आओ, किसान मजदूर उनके पक्ष में आओ, आप सिर्फ पेंशन ग्रेचुटी का लिए ही लड़ रहे हो, संरक्षण की कोटा पूरा कर देगा तो आपके बाल बच्चे जाएगा, हमारे बाल बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चा तो दिखाई बड़ी जानता नहीं, आप लोगों ने कोई मदद किया नहीं उनको, थोड़ा हमारा माँ जिन घर में बर्तन वाला, अगर वो 15 रुपये हमारा माँ को दे देते कि तुम्हारे बच्चे को, तो आज तो हम शिक्षित बन पाते, या तो नहीं, तो इसके लिए उस तरह हम नहीं देखने वाले, जो देखते हैं उनको वोटों का रोटी सेकना है कुछ करना है, आपको तो वोट से कोई मतलब नहीं है, आपको पक्ष में हम लड़ेंगे, आपका संरक्षण मिले, आपका लड़का नौकरी मिले, आपका होता नौकरी मिले सब मिले, लेकिन हमारा जो भूखा लड़ाई उसका लड़ाई भी तो आप तो आते नहीं हो, आप तो सिर्फ पेंशन ग्रेचुटी का उसी में फंसे हुए हो, एक गया आपका। दूसरा वाला क्या था, 6 साल का बच्ची जात पात, जात का रूप दिया किसने, वो लड़की को रेप किया गया क्यों, इसका अगर कारण हम ढूंढे उस क्षेत्र का, निर्भया कांड कोई दूसरा हाथ हल्का, जादवपुर कोई कलकत्ता का फुटपाथ से उठा के ले गया एक लड़की को, वो कोई, लेकिन वहाँ का जो रेप हुआ उसका पीछे तो वही कारण था कि जात, उनको डराने के लिए ही रेप किया गया, तो इसके ये बात तो दर्शक जो है रेपिस्ट जो है उसका कोई जात नहीं होता, लेकिन रेपिस्ट को जात के लिए इस्तेमाल किया जाता, वो किया गया हो इसके तो दिन जैसे हमको देखने को मिल रहा है, तो उसके खिलाफ हम जब बोलेंगे तो ये तो हमको बोलना ही पड़ेगा कि एक कौम के खिलाफ आपने जंग छेड़ी, इसमें हमारा बोलना अन्याय नहीं है। उस लड़की को रेप तो इसीलिए, 6 साल की बच्ची जिसको फोटो देखने से लगता है कि मुंह में एक चूमा दो, कैसे आता लोगों के मन में ऐसा बुलाओ, एक सोचने से खून खोल जाता है। और मैं रेपिस्ट का खिलाफ तो क्यों हूं, वो मेरे पुस्तक में है, क्षमा करने वाले से मैं नहीं हूं, जब मौका मिलेगा, अगर सचमुच मौका अभी भी देखूं किसी बच्चे को ऊपर हमारे सामने भीड़ है तो वो समझ लेगा कि उसका दिन क्या है, अभी भी इस उम्र में भी मैं बता रहा हूँ। जानता हूँ आप लोग के अंदर बहुत जिज्ञासा है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यहाँ पे समय की मजबूरी है, इसका हम लोग सबको सम्मान करना चाहिए। और एक और घोषणा है आपके लिए, जो है सबके द्वारा लिखी हुई पुस्तक की कुछ प्रतियाँ हैं हमारे पास, जो है शायद सबको न मिल पाए, जो है मतलब 100 रुपये मूल्य है उसकी, जो है लेकिन लिमिटेड कॉपी है, अगर आपको नहीं भी मिलती है तो मैं आपको लेंड कर सकता हूँ आपको, या तो मैं मेरे द्वारा लिखा नहीं, मेरे बारे में लोगों ने जो लिखा, हिंदी के लिखा, अंग्रेजी के लिखा, बंगाल के लिखा, वो 3 भाषा में है, बंगाल के जो बंगला में छप गया, हिंदी का जो हिंदी में छप गया, और अंग्रेजी में, मेरे द्वारा लिखा नहीं है वो, मेरे बारे में जो लोगों ने लिखा वो पुस्तकें खाली हाथ जाऊँगा कुछ तो लेते जाऊँ, हमारे लेख तो आप लोग पढ़ने अभी आ रहा है, इंटीविटेशन में 9 भाषा में अनुवाद उन्हें मराठी गुजराती हिंदी राजकुमार वाले करेंगे, मतलब आप हमारे पुस्तक हिंदी में आ ही रहा है साल भर के अंदर आपको। और दूसरी मैं गुजारिश करना चाहूँगा वीणा सर से, जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के, कि सर द्वारा जो लिखी हुई किताब है इंटरप्रेटिंग माई चंदा लाइफ, जो है उसकी एक प्रति जो है चाहे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल की तरफ से या हम लोग की तरफ से जो है लाइब्रेरी को भेंट दे दी जाए, जिससे कि हमारे छात्र जो है मतलब
लाभान्वित हो सके। और मैं जानता हूँ आपके अंदर बहुत जिज्ञासा है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं डॉक्टर सरिता तिवारी मैडम से आग्रह करूँगा कि अध्यक्षीय भाषण दें। धन्यवाद भानु सर, मीना सर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती हमारे विश्वविद्यालय के समान अवसर प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित की गई है। इस आयोजन में हमारे दो वक्ता जो बाहर से आए हुए हैं, आपने आपका आपके जमीनी हकीकत जमीनी सच्चाइयों से जुड़े हुए वंचित वर्ग के विचारों को सुनकर हम सभी बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। हमारे जो विज्ञ विद्वान सहकर्मी शिक्षकगण हैं उनके विचारों को भी हम लोगों ने सुना। हमारे जिज्ञासु विद्यार्थियों उनके प्रश्नों के माध्यम से भी हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों के उनके विचारों के बहुत से पहलुओं के बारे में जाना सुना। इस अवसर की सार्थकता सर्वाधिक है कि हम इस जयंती को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में अपने अंदर महसूस करें। जैसा कि मीना सर ने कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं। व्यक्ति के रूप में उनका जन्म मध्य प्रदेश के यहाँ हुआ, या उन्होंने एक मेधावी छात्र के रूप में फेलोशिप पाया, या एक कानूनविद के रूप में, एक प्रखर वक्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, और एक प्रखर पत्रकार के रूप में, एक संविधानविद के रूप में, हम उनके परिचय को उनकी जीवनी को इस विश्वविद्यालय में आने से पहले भी और इस विश्वविद्यालय के कोर्स में भी पढ़ाते रहे हैं। लेकिन उनका जो सर्वाधिक हम लोगों के सामने रूप आता है, बाबा भीमराव अंबेडकर नाम से सर्वाधिक जो उनका रूप उभरता है, उनकी जो छवि उभरती है, वह एक संविधान निर्माता के रूप में और दलितोद्धारक के रूप में उभरती है। तो मैं इन दो बिंदुओं पर उनके बहुत ही संक्षेप में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ कि बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जिस जाति से और जिस समय में जन्म लिए थे, उस समय और उस जाति की पीड़ा, उसकी मानसिकता, उन तत्वों ने उनके अंदर जो विचारक पैदा किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विचारक जो होते हैं और विचार जो होता है वह टू वे ट्रैफिक की तरह होता है। हमारे जो आसपास की परिस्थितियां होती हैं उससे विचारक पैदा होते हैं, विचारक का निर्माण होता है, और उन विचारकों के निर्माण से उनके विचारों से लंबे समय तक हमारा समाज हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इन दो स्वरूप के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में अपना विचार साझा करना चाहती हूँ। एक तो वंचित वर्ग के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी। वंचित वर्ग में मैं आपको अभी भी संविधान निर्माण के समय भी, संविधान निर्माण से पहले भी दो वर्ग खास करके अछूत और स्त्री जाति, मनुवादी व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया हम सभी जानते हैं। और मनुवादी व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित, सर्वाधिक पीड़ित और सर्वाधिक वंचित वर्ग स्त्री और दलित रहे हैं, और इन दोनों के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किए, संविधान में व्यवस्था दी। अछूतोद्धार आप सभी जानते हैं, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 17, जिसमें कि अनटचेबिलिटी को एब्लिश करने की पूरी पूरी व्यवस्था है। स्त्री से संबंधित सबसे जो उन्होंने बड़ा काम किया, जो उस समय के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, वह हिंदू कोर्ट बिल, जिसके माध्यम से स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार, गोद लेने का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह,
इन व्यवस्थाओं को दिया गया। तो यह जो समाज का बहुत ही वंचित तबका था, इन दोनों के लिए बाबा साहब के द्वारा ये दी गई व्यवस्थाएं, एक तो आर्टिकल 17 मौलिक अधिकार सभी, राइट टू इक्वालिटी 14 लीजिए, अवसर की समानता 15 लीजिए, तो ये जो और संविधान की सभी व्यवस्थाएं, क्योंकि बाबा साहब जो थे ऐसे तो संविधान निर्माण में 27 कमेटियां काम कर रही थी, तो मैं बहुत ही लंबे समय के अथक प्रयास के द्वारा ये संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते और आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण का प्रक्रिया देखेंगे, उस डिबेट को देखेंगे, तो देखेंगे कि 27 कमेटियों में जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, जो समन्वय का काम होता है, वह बार बार सर्वाधिक उभर कर सामने आता है, तो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का रोल आता है। तो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो संवैधानिक व्यवस्था दी, उससे यह जो वंचित तबका था, स्त्री और दलित, उसके लिए उन्होंने संविधान में बहुत ही मुकम्मल व्यवस्था की। अब बात रही कि जैसा कि हमारे विद्वान वक्ताओं ने कहा, जमीनी रूट लेवल की बातें इन्होंने की, सच्चाई की बातें की, तो संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था को लागू कौन करता है? हम और आप लागू करते हैं, और खास करके जो हमारे संसद में या जो विधानसभा में सदस्य कौन भेजता है, हम आप भेजते हैं। हमारे इच्छाओं और आवश्यकताओं का जो कानूनी जामा बनाना है, वह काम कौन करता है? लॉ मेकिंग के कार्य में हम अपने प्रतिनिधि को चुनके भेजते हैं, और आप सब युवा शक्ति भारत में, भारत की जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा प्रतिशत, कितना, 57% क्या है, युवा है। तो आप युवाओं पे ये जिम्मेदारी बनती है, यह जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं, जो कि बहुत ही मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं, और आरक्षण जैसी व्यवस्था जिसको कि 10 वर्षों के लिए मात्र लागू करने का की व्यवस्था थी, डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं सोचा था कि 10 साल के बाद भी हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां होंगी, जबकि ये हमारे राष्ट्रीय मुख्य धारा से ये वंचित तबके जुड़ नहीं पाएंगे। इस वजह से मात्र 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो मैं आरक्षण के पक्ष और प्रतिपक्ष में नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ आपके अंदर ये सवाल पैदा करना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर से ये जवाब ढूंढें कि हमारी संवैधानिक की इतनी मुकम्मल व्यवस्थाओं के बावजूद वैसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं, वैसे कौन से कारक हैं, वैसे कौन से फैक्टर हैं, वैसे कौन से तत्व हैं जो कि हमारे उस शोषित दलित वंचित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने नहीं देना चाहती है, बल्कि उसका कहीं ना कहीं अपने सत्ता के लिए, मुझे लगता है सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग ही करना चाहती है। यह सवाल अगर इस विचार गोष्ठी के माध्यम से सर ने कहा, अब मैं थोड़ा सा नोट की हूँ कि ये लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा, ये सर की अपनी पद्धति है, उस पद्धति को मैं विश्लेषित नहीं करना चाहती, यह भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन मैं राजनीति विज्ञान की शिक्षिका हूँ और इस नाते मैं एक बात, आप एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या हमारे जो संवैधानिक प्रावधान हैं, हमारा कोई हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें, जिसमें कि अमेंडमेंट की व्यवस्था है, संशोधन की व्यवस्था है, काल के अनुसार, समय के अनुसार अगर उसमें चेंजेस की जरूरत है तो किया जाना चाहिए, की गई है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी बात है जो आज तक आरक्षण के बावजूद, यह जो जैसा कि सर ने कहा कि अभी भी दलित में भी क्या है, इलीट क्लास है और वंचित क्लास है, हैप्स है और हैप्स नॉट है, उसी तरह से उच्च जातियों में भी हैप्स हैं और हैप्स नॉट हैं। तो यह आपके अंदर की इस विचार गोष्ठी के माध्यम से ये एक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ, और आप ही के अंदर ये समाधान भी उभरना चाहिए, उभर कर आना चाहिए कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनें, आपकी संसद ऐसी हो, आपकी विधान पालिका ऐसी हो, आपके जो लॉ मेकिंग प्रोसेस हो वो ऐसा हो कि जो भारत के संविधान निर्माताओं का उच्च आदर्श था, उच्च लक्ष्य था कि हम भारत के लोग में उच्च जातियाँ, निम्न जातियाँ, OBC सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो क्यों ना हमारे जो आदर्श थे
संविधान निर्माताओं के आदर्श थे, उन आदर्श के अनुरूप इन इंस्टीट्यूशंस को, इन संस्थाओं के कार्यक्रम को हम ऐसा क्यों नहीं रूप दें जिससे कि हम उन आदर्शों को प्राप्त कर सकें। क्या कोई संवैधानिक रास्ता नहीं जिस माध्यम से हम अपने वंचित और शोषित और पीड़ित तबके का अपलिफ्टमेंट कर सकें, जहाँ पे कि एक ऐसे समरसतापूर्ण समाज का निर्माण हो जहाँ पे आरक्षण जैसे प्रश्न गौण हो जाए, इसकी आवश्यकता ही ना रहे। ये मैं एक सवाल आपके अंदर छोड़ना चाहती हूँ। आप सब विश्वविद्यालय में एडुकेशन ले रहे हैं और आप सबों के अंदर ये आप राष्ट्र के मतदाता हैं और आप सबों के अंदर ये विचार में छोड़ के प्रश्न के रूप में छोड़ के जाना चाहती हूँ कि आप इस पर मंथन करें और अपने विचारों को पल्लवित पुष्पित करें और एक संवैधानिक दायरे के अंदर एक व्यवस्था, एक सिस्टम सोचें जिससे कि हम अपने आदर्शों को, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ।